के अंदर 4 बिलियन से भी ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इन्हीं 4 बिलियन पेड़ पौधों से दुनिया की 20% ऑक्सीजन आती है, इसलिए इस जगह को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। और आकार की बात करें तो यह भारत से भी 2 गुने ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अमेज़न फॉरेस्ट अर्थ के 4% हिस्से में फैला हुआ है। अगर अमेज़न फॉरेस्ट आज के समय में कोई देश होता तो वह पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। और अमेज़न फॉरेस्ट इतना ज्यादा घना है कि सूरज से आने वाली रोशनी भी अमेज़न की जमीन तक मात्र 1% पहुंच पाती है। और इतना ही नहीं, जब अमेज़न फॉरेस्ट के ऊपर बारिश होती है तब बारिश के पानी को अमेज़न की जमीन तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। और अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में एक बात ये भी है कि आज तक कोई भी इंसान अमेज़न के केंद्र यानी कि सेंटर पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया है। और इसका कारण है अमेज़न फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतु, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर से आज तक जितने भी जीव जंतु उपलब्ध हुए हैं उनमें से कुछ जीव जंतु आज भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जिंदा हैं। और बहुत से लोगों का मानना है कि अमेज़न के जंगलों में टाइटेनोबा स्नेक पाया जाता है जो कि पृथ्वी पर से आज से लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि धरती पर अब पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्नेक ग्रीन एनाकोंडा है और ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई 20 से 25 फीट होती है और वजन 400 से 500 केजी के बीच होता है। लेकिन टाइटेनोबा ग्रीन एनाकोंडा से भी 4 कदम आगे है, क्योंकि टाइटेनोबा की लंबाई 60 से 70 फीट और वजन 1700 केजी से लेकर 2000 केजी तक हुआ करता था। और टाइटेनोबा इतना ज्यादा खतरनाक था कि वह एक बार के खाने में ही एक मगरमच्छ को खा सकता था। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि आज से लाखों साल पहले टाइटेनोबा पृथ्वी पर से विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में आज भी कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे मालूम चलता है कि टाइटेनोबा आज भी जिंदा है। और अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर एक नदी भी है, इस नदी का नाम अमेज़न रिवर है। इस नदी की लंबाई 6200 किलोमीटर है जो कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और बड़ी नदी है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इस नदी के इतने ज्यादा लंबे होने के बावजूद इस नदी पर एक भी ब्रिज नहीं है। और रिसर्चर्स का मानना ये भी है कि इस नदी में काफी जहरीले जीव रहते हैं जैसे कि पिराना। वैसे तो पिराना मछली धरती पर से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि धरती पर अब भी कहीं पिराना मछली मौजूद है तो वह अमेज़न रिवर ही है। और पिराना मछली के होने का दावा कोई और नहीं बल्कि अमेज़न के जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग ही करते हैं। वैसे तो पिराना मछली काफी खूंखार होती है और ये अपने शिकार को मिनट से पहले ही सफा कर देती है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि पिराना मछलियों से उन्हें कुछ खास नुकसान नहीं है, क्योंकि पिराना मछलियां तभी वार करती हैं जब उन पर पहले से कोई वार करे। अब ये तो रही पिराना मछली की बात, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि पानी में रहने वाले मेंढक भी कभी किसी की जान ले सकते हैं? जी हाँ, एक फ्रॉग है जिसका नाम है पॉइजन डार्ट फ्रॉग और यह फ्रॉग अमेज़न रिवर में पाया जाता है। और यह फ्रॉग इतना ज्यादा जहरीला होता है कि यह फ्रॉग किसी को भी काटने से 10 इंसानों को मारने लायक जहर छोड़ता है। और यह फ्रॉग चमकीले रेड एंड ब्लू कलर के होते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। वैसे तो अमेज़न के जंगलों में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं है। सन 2018 से लेकर अब तक इन 3 सालों के अंदर अमेज़न के जंगल में 80,000 से भी ज्यादा बार आग लग चुकी है। लेकिन अब लगी अमेज़न के जंगलों में आग इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वह अमेज़न के जंगलों के 20% हिस्से में फैल गई थी। और यह आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि अमेज़न के जंगलों में रहने वाले हजारों जीव जंतु इसमें मारे गए थे। लेकिन अब इस आग को बुझा दिया गया है और इस आग को बुझाने में आया कुल खर्च $150 मिलियन है जो कि इंडियन रुपीज में 1100 करोड़ के आसपास होता है। और अमेज़न के जंगलों में आज भी कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे मालूम चलता है कि अमेज़न के जंगलों में आज भी कुछ रहस्यमयी हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर 400 से भी ज्यादा सामाजिक समुदाय रहते हैं जिनका बाहर आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब।